हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 17th अगस्त 2021। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं आज के दिन के वीडियो के बारे में, तो हमने जो कैसीनो के बिजनेस मॉडल के बारे में और उस टाइप की कंपनी है यहाँ पर, उसके बारे में हमने वीडियो बनाए लेटेस्टली। तो आपको उसको नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसके अलावा हम कल बनाया था कि आप अपने फिजिकल शेयर्स को किस तरीके से डीमटेरियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी एक डेडिकेटेड और बहुत ही अच्छा वीडियो है, तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम उस कंपनी के स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे ब्रेकआउट लेवल के पास। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पहले स्टॉक का नाम दिखाई दे रहा है, टाटा एल्क्सी लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड के बारे में, तो वर्ल्ड की लीडिंग है प्रोवाइडर एंड डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस अक्रॉस दी इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ऑटोमेटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं यहाँ पर टाटा एल्क्सी के चार्ट पे, और आपको मैं यहाँ पर जो एक तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि 2 जुलाई को कंपनी के स्टॉक ने एक तरीके से हाई बनाया था 4,429 रुपीज़ का। फ्रेंड्स, उसके बाद फर्दर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ और फिर यहाँ पर जो एक तरीके से हाई बनाता हुआ दिखाई दिया, वो डेट थी 15th जुलाई को। सो फ्रेंड्स, 15th जुलाई को स्टॉक ने 4,487 रुपीज़ और 10 पैसे का यहाँ पर हाई बनाया था 15th जुलाई को। उसके बाद फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और उसमें के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर स्टॉक एक तरीके से यहाँ पर जो है 17th जुलाई को कंपनी के स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और यहाँ पर टोटली विजिबल है और कंपनी के स्टॉक का प्राइस करंटली दिखाई दे रहा है आज के दिन यानी कि 17th अगस्त को 4,715 रुपीज़। यानी कि फ्रेंड्स, कंपनी के स्टॉक में एक ब्रेकआउट दिखता हुआ दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली टाटा एल्क्सी को एक तरीके से कंसिडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आइए अब हम बात करते हैं दूसरी कंपनी के बारे में। बात करते हैं हम दूसरी कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम है SRF लिमिटेड, जो कि यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं SRF लिमिटेड की, तो वो एक केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी है और एंगेज है मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी इंटरमीडियरीज को। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं अभी करंटली SRF लिमिटेड के बारे में, तो उसके जो चार्ट पैटर्न पे किस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिला है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं SRF लिमिटेड के चार्ट पे और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मेनली यहाँ पर एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद कंपनी के स्टॉक ने 4th अगस्त को हाई बना दिया था 9,033 रुपीज़ का। उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक में थोड़ी एक दो दिन के लिए गिरावट दिखने को मिली और उसके बाद जो कंपनी के स्टॉक में अभी करंटली ब्रेकआउट दिखाई दिया और 17th अगस्त को यानी कि आज के दिन कंपनी के स्टॉक का प्राइस दिखाई दे रहा है 9,170 रुपीज़ और 30 पैसे। यानी कि फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली SRF लिमिटेड को एक तरीके से कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं थर्ड कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में, तो प्राइमरीली कंपनी जो एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज, यानी कि IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज को। और मेनली जो कंपनी के कस्टमर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर के एक तरीके से किस टाइप की चार्ट पैटर्न देखने को मिल रही है उसके बारे में, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ सोनाटा सॉफ्टवेयर के चार्ट पे। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर एक तरीके से हाई बनाया था, उसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ 31 मई को, और उसका प्राइस दिखाई दे रहा था 672 रुपीज़ और 55 पैसे। और फ्रेंड्स, उसके बाद कंपनी के स्टॉक में एक लगातार एक तरीके से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली और देखते ही देखते कंपनी के स्टॉक ने यहाँ 9th अगस्त को एक हाई बना दिया था 868 रुपीज़ और 65 पैसे का। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो डाउन ट्रेंड देखने को मिला और जो 843 रुपीज़ के लो पे सपोर्ट लेके कंपनी के स्टॉक ने एक तरीके से मूवमेंट दिखाई और अभी करंटली जो कंपनी के स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया और 17th अगस्त को यहाँ पर प्राइस आपको दिखाई दे रहा है 890 रुपीज़ और 30 पैसे। यानी कि फ्रेंड्स, आपको डेफिनेटली एक तरीके से सोनाटा सॉफ्टवेयर में एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है और आपको उसको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में, तो कंपनी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बजाज फाइनेंस के बिजनेस मॉडल के बारे में, तो मेनली लीडिंग बिजनेसमैन है और डाइवर्सिफाइड लीडिंग पोर्टफोलियो है अक्रॉस रिटेल, SME यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज एंड कमर्शियल एंड कस्टमर विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल एरिया।
यानी कि बजाज फाइनेंस एक तरीके से NBFC टाइप का बिजनेस मॉडल रखती है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस की, तो वो दिखाई दे रहा है 6,410 रुपीज़, जो कि आपको टोटली विजिबल है। आइए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस में चार्ट पे कि किस टाइप का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आ चुके हैं बजाज फाइनेंस के चार्ट पे, और यहाँ पर आपको जो है 19 अप्रैल को कंपनी के स्टॉक ने एक लो प्राइस बना दिया था 4,479 रुपीज़ और 60 पैसा का, जो कि आपको यहाँ पर टोटली विजिबल है, जिसको मैं हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रेंड्स उसके बाद जो कंपनी के स्टॉक में लगातार एक तरीके से अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली, और यहाँ पर जो कंपनी के स्टॉक ने देखते ही देखते एक हाई बना दिया था 6,400 का लेवल का, जिसको जो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 29 जुलाई को कंपनी के स्टॉक ने 16,400 रुपीज़ का एक प्राइस को टच करके उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, और उसके बाद जो फ्रेंड्स कंपनी के स्टॉक में आज बाउंस बैक देखने को मिला, और अभी करंटली कंपनी के स्टॉक का प्राइस 17 अगस्त को दिखाई दे रहा है 6,410 रुपीज़ और 10 पैसे का, यानी कि डेफिनेटली बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स आपको डेफिनेटली बजाज फाइनेंस को कंसीडर करके चलना चाहिए, क्योंकि बजाज फाइनेंस हमारे यहाँ पे बहुत ही पॉपुलर कंपनी है और अपने बिजनेस में एक तरीके से पकड़ बना के बनी हुई है। सो फ्रेंड्स ये थी सभी कंपनियाँ जिसको हमने आपके साथ डिस्कस की, उसमें आज एक तरीके से ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको आपको डेफिनेटली कंसीडर करके चलना चाहिए। सो फ्रेंड्स ये थी उन चारों कंपनी जिसको हमने आपके साथ एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की और आपको बताने की कोशिश की कि उसमें एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।